हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो ब्लॉग है बेसिकली एक रिव्यू ब्लॉग होगा। एक्चुअली मैंने एक चीज ऑर्डर की है फ्लिपकार्ट से, जो कि अभी थोड़ी देर पहले 1 घंटे पहले ही आया, तो मैंने इसको ओपन नहीं किया। मैंने सोचा एक रिव्यू बना देता हूँ छोटा सा, हालांकि मैं एक्सपर्ट हूँ नहीं, लेकिन फिर भी चलो ट्राई कर लेते हैं। तो आपको मैं पहले दिखा देता हूँ कि आया क्या है। सो ये देख सकते हो एक डब्बा है, जो इसके अंदर चीज है वो आपको पहले मैं दिखा देता हूँ निकाल कर। एक्चुअली मैंने डब्बा ही ओपन कर लिया था, और ये देखो ये मैंने इससे ओपन कर लिया था, तो मैंने सोचा कि जो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने इसको ओपन कर लिया। तो सबसे पहले ये दिखाता हूँ आया क्या है। तो देख सकते हो आप, मैंने बोट का एक ईयरफोन ऑर्डर किया था, और ये अभी थोड़ी देर पहले आया जैसा मैंने आपको बताया। तो अब इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे क्या क्या है। सबसे पहले इस डब्बे में देख लेते हैं क्या क्या है। तो अगर मैं बात करूँ इस डब्बे की, तो डब्बा बिल्कुल खाली है, और इसमें शायद ये बिल का है। बिल आपको मैं प्राइस बता देता हूँ। ये जो है यहाँ पे डिटेल आई थिंक आपको दिख रहा होगा, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ अच्छे से। एनीवेज आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। लाइट की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। 379 रुपीज़ का मेरा ईयरफोन है, सबसे चिप एंड बेस्ट मैंने मंगाया है। तो इसको यूज करेंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं। तो अभी सबसे पहले उस डब्बे को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या दिया गया है। तो आप देख सकते हो जो बोर्ड का है, हमारे कार्तिक आर्यन भाई साहब आजकल इसके ब्रांड एम्बेसडर है, तो फोटो भी लगी हुई है। तो अभी इसको फटाफट ओपन करते हैं और देखते हैं अंदर का कैसा लुक वाइज है। सो मैंने इस डब्बे को यहाँ से ओपन कर दिया है। यस, तो देख सकते हो क्या क्या मिला है। सबसे पहले बता दूँ, एक जो है ईयरफोन रखने के लिए ये मिला है। यहाँ पे आप मतलब बाई चांस अगर आप यूज कर लिए तो थोड़ा आप यहाँ पे अपना सेफ्टी पर्पज से रख सकते हो। हालांकि बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाता, जो करते हैं उनको बहुत बड़ा थैंक यू। सो एक ये मिला है। उसके बाद इसके अंदर से ये पूरा सेट हो रखा है, तो अब मैं इसको ओपन करता हूँ एक बार। गाइस, इसके साथ ये इसके ईयरफोन के कुछ और बबल भी मिले हैं, जो कि अगर उसका वो हवा खराब हो जाता है तो आप इसको लगा के यूज कर सकते हो। इसके अलावा एक ये है थोड़ा स्टिकर टाइप का बोट का, ये आपका 1 ईयर मैन्युफैक्चर वारंटी है, इसमें मेंशन है सारी चीजें। सो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल भी है, यहाँ पे दिया हुआ है अगर आप देख पाओ तो, आई थिंक नहीं दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल भी है, ये सब भी है। और एक छोटी सी बुक मिली है ये, अब इसको जरा मैं दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह का है, जहाँ पे अपने अपने हिसाब से लोगो हैं, मतलब सेलिब्रिटी के फोटोज लगे हुए हैं, और कुछ देख सकते हो ईयरफोन वगैरह का इमेज है, सेम बैकग्राउंड में भी है ऐसा ही है। तो अब मैं इन सबको रख देता हूँ, और एक बार मैं इस ईयरफोन को अपने फ़ोन में लगा देता हूँ, और फिर हम देखेंगे कि आवाज़ कैसी आ रही, क्या आ रही है। एक इसमें ये जो चीज़ है ये काफ़ी अच्छी लगती है मुझे, मैं इसको हमेशा रखता हूँ ये वाला चीज़। सपोज क्या होता है, जैसे मैंने ईयरफोन को खोल के अपना यूज कर लिया मतलब, और उसके बाद इसको मोड़ के रखना होगा, तो ये बहुत अच्छा होता है। इससे पूरा एक फोल्ड में आ जाता है, ये सारा एक फोल्ड में आ जाता है, तो मैं ये हमेशा यूज करता हूँ, काफ़ी सेफ्टी पॉइंट से रखता हूँ। तो अगर आप लोग भी ऐसा, अगर आपके पास ईयरफोन हो तो आप इसका यूज कर सकते हो, अगर आपके साथ दिया होगा। इसका यही है कि थोड़ा संभाल के रखना होता है कि आप घुमा ना दो कहीं। तो अब जो आपको आवाज़ आएगी वो मेरे इस ईयरफोन से आएगी, और ईयरफोन का पहले पूरा थोड़ा लुक दिखा देता हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ईयरफोन का जो वायर है काफ़ी अच्छा है, मजबूत वायर है, ऐसा लग नहीं रहा है कि मतलब, ऊपर से ऑब्वियसली ब्रांड है, अच्छा ही लग रहा है। मैंने कई बार बोट का यूज़ भी किया तो काफ़ी अच्छा है। और प्लस इसका ईयरफोन का जो ये है, ये देखो ये काफ़ी प्यारा है, तो कान में इजीली चला जाता है, कोई दिक्कत है। अभी मैं इससे आपको करके दिखाता हूँ, एक बार पहले मैं फ़ोन पे इसको ये करता हूँ, अभी फ़ोन पे करके पहले देखते हैं। तो गाइस, अभी जो आवाज़ आ रही होगी मेरे इस ईयरफोन के थ्रू आ रही होगी, बताना कैसा आ रहा है साउंड, कमेंट बॉक्स में डालना अगर आपको अच्छा लगे। बाकी अगर आपको ये लेना हो तो आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो। मैं आपको लिंक विंक तो नहीं दूंगा क्योंकि मैं उतना प्रमोशन नहीं करता, एक छोटा सा एक रिव्यू ब्लॉग बनाया तो मैंने इसके पॉइंट से दिया है। सो आवाज़ अगर अच्छी आ रही है तो इसको देखना, चूज करना फ्लिपकार्ट पे जाके, और अगर आपको अच्छा लगे तो ख़रीदना। बाकी यही था, एक छोटा सा ब्लॉग था, और इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, हालाँकि हम लोग एक्सपर्ट तो होते हैं, लेकिन मैंने बोला चलो एक आया है तो थोड़ा दिखा देते हैं आप लोग को भी।
तो गाइस आई होप ये ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। हालांकि मेरे पैचारे पूरा पसीना रहा, एक्चुअली मैंने पंखा बंद कर रखा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा साउंड आता है तो वो साउंड ना आए। सो ये ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना। और अभी जो है मेरे हरिद्वार का ब्लॉग अपलोड हुआ है, सारे ब्लॉग जाके प्लीज़ देखो। अभी हरिद्वार का ऐसा नज़ारा है सावन का, मतलब लाजवाब है। आप वीडियो देखो, आपको अच्छा लगेगा। और बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगला ब्लॉग भी काफ़ी जल्दी आएगा, अगला ब्लॉग मतलब अगले डेस्टिनेशन का। अभी जो आ रहा है वो आपको अभी आपको दिख जाएगा, जैसे जैसे अपलोड होगा वो आप चैनल पे हो आप देखोगे ही। सो अगर आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बाकी आपकी मर्ज़ी है। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।